it will make, of course, a very strong impact because he's a great leader and unke jaise mahan leader and NATO bolo aap, anywhere United States of America bolo, it's a huge, he is himself a pillar and an international leader, the greatest Nelson Mandela. And from बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं and his givings and his sacrifices and his torture which he went through. So it's been a great thing that राजकुमार जी और सब आप लोग इंडिया में आके इतना अच्छा आप लोग ने एक शुरू किया नोबल पीस नेल्सन मंडेला जी के नाम से. And it will of course help because see a lot of, you know, we should come forward with his doings and all, and we should make the next generation and make some good causes, good things for him, you know, keeping his name in mind and respect. कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी एक दिन, सही बात, टीवी मोबाइल सब चला जाएगा, लेकिन बप्पी दा के गाने अमर है, अमर थे, अमर रहेंगे. बप्पी दा का म्यूजिक हमारे खून खून में है, रग रग में है. आज नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड के लिए सुनहरा दिन है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उनकी ट्रिब्यूट के समय उनका घराना हमारे साथ है, रीमा दी हमारे साथ हैं. और ऐसे ही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होगा वो आइए, इस उपस्थिति में वो आए, यानी कि हम सोचेंगे बप्पी दा आ गए हैं. वेलकम बप्पी दा, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं. और इस साल का पहला मरणोत्तर पुरस्कार, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दिया है. मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ जो आए. दीदी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे, आपके भाई ये छोटे हैं, बस. थैंक यू सो मच. थैंक यू, धन्यवाद. नेल्सन मंडेला नोबेल पीस फाउंडेशन को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को, आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट्स इन डाइवर्स फील्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओए झिंगे आवाज़ दीजिए, ऐसी मेरा स्टाइल है. सबसे पहले तो जो दिल को छू जाने वाला अवार्ड था, सबसे पहला अवार्ड उन महिलाओं को जिन्होंने दिन रात अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सेवा की. किसी ने वृद्ध लोगों की सेवा कर रही हैं, कि मतलब ख़त्म नहीं हुआ उनका ये प्रयास. आप कोई उन महिलाओं को ढेरों ढेरों सम्मान. और आई अपलॉड द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला नोबेल पीस फाउंडेशन फॉर ऑनरिंग राइट एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन those wonderful, those deserving ladies who have done so well, who are doing such wonderful work. So congratulations to all of you, to all of you for doing such fantastic thing. राजकुमार जी ने जो ये ऑर्गेनाइज किए ये अवार्ड्स, लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए, उनके अच्छे कामों को पहचानने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है. और ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि हम आगे जाके और भी अच्छा काम करें. एंड आई एम सो प्राउड कि बप्पी दा जी को हम लोग ने याद किया ऐसे. अब एक सुपर ओकेजन पे उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी और कह रही थी कि काश मेरे यू नो फादर यहाँ होते, उनको इतनी खुशी मिलती. यू नो राजकुमार जी ने जो अच्छा किया है, हम लोग हमेशा अवार्ड्स में जो जिंदा हैं उनको देते हैं, लेकिन किसी लेजेंड को उनके गुजरने के बाद ऑनर करना, ये सबसे आज की खूबसूरत खूबसूरत मोमेंट थी. और राजकुमार जी खुद इतने हंसमुख है कि उन्होंने अवार्ड्स को की महफिल को बहुत ही अच्छा बना दिया. तो इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर. मेरे लाइफ की पहली थिएटर मूवी थी गदर. देखने को नहीं मिलता था, इतना काम था ज़िंदगी में. पहली मूवी थिएटर में जाकर देखा गदर, 24 बार देखी है. वाह. और मैडम की अभी दूसरी गदर 2 आ रही है. आई एम सो एक्साइटेड. और मूवी आ जाने दीजिए, अगर हमारा कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो एक छोटा सा प्री लॉन्च हम हमारे फंक्शन में एकदम मैडम के लिए रखेंगे. मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल से आए हैं. मैडम जिंदगी भर हम आपके ऋणी रहेंगे, आपका उपकार है हमारे ऊपर, आशीर्वाद रखिएगा और नेल्सन मंडेला के साथ में रहिए. हमेशा हर साल ये अवार्ड्स और हर साल आप मुझे बुलाते हो, यही मुझे अच्छा लगता है. गदर 2 को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो? तारा और सकीना को देखने आप कितने एक्साइटेड हो? तो उतने ही हम एक्साइटेड हैं. बस जितना प्यार आप लोगों ने पहली फिल्म को दिया, अगर उतना ही प्यार दूसरे को मिले तो गगन मच जाएगी। नेल्सन मंडेला अवार्ड बहुत प्रभावित करता है हम जैसे लोगों को अच्छा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, जिनको हमारी ज़रूरत है और ज़रूरतमंद है, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। मैं एक पॉलिटिकल घराने से हूँ, मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया गरीबों की सेवा करो, अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा लाइफ में, अच्छा नहीं करोगे, अपने लिए जियोगे, अपने लिए खाओगे, अपने लिए मरोगे तो ऊपर वाला भी उतना ही रखता है हर इंसान को। उनके नाम पर एक ऐसा अवार्ड और लोगों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो सोशली उन लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है, और जिन लोगों को डॉक्टरेट से फेलिसिटेट किया गया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑनरेरी डॉक्टरेट यू नो फॉर द डिफरेंट फील्ड। तो सोशली कहीं ना कहीं उन लोग को समाज में और एक अच्छा सम्मान मिलता है और हिम्मत मिलती है कि कुछ ना कुछ और अच्छा करें। टू द ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड नाउ टू द अचीवमेंट, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स एंड एवरी वन हु हैज सपोर्टेड मी सिंस डे वन टिल टुडे एंड विल कीप सपोर्टिंग मी अहेड टू वेरी मच अचीवमेंट्स टू कम। थैंक यू। कभी कभी कुछ मोमेंट लाइफ के ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरे सोशल एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, अवार्ड मिला है, बहुत जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। बस इतनी हिम्मत आप लोग देते रहना मुझे। सो मच एवरीवन फॉर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मुझे मिल पाया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजकुमार डाक सर का और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनका। और लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, और अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। आज सोशल मीडिया जिसको आप सिर्फ स्क्रोलिंग मशीन बनाकर रखे हो, उसको ATM मशीन में टर्नअप करिए और अपनी एक नई इनकम शुरू करिए और अपने साथ साथ में अपने यूथ को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन नेल्सन मंडेला। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। आज नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड 22 चित्रा आसवाद पाटिल फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आज मुझे ये अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए, जो कि मैं जेफ फाउंडेशन के थ्रू वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। विमन एम्पावर्ड होना चाहिए करके बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन थ्रू माय पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दिस NGO आई एम वर्किंग फॉर एक्चुअल वुमन, जिसके लिए मेरे अंडर रूफ 250 SJG ग्रुप है, जिसमें 3000 to 4000 वुमन हैं, जिनके लिए एक्चुअल में महाराष्ट्र शासन के जो टेंडर प्रोसीजर्स रहते हैं उनको फॉलो करके उनको एक्चुअल प्रोसीजर में लाके उनको एम्पावर्ड करने का काम किया है, जिसके वजह से 3 to 4000 लेडीज़ जो है, जो SSG के ग्रुप में है, वो एक्चुअल एम्पावर्ड है। उनको जो उनका जो मुबदला जो रहता है वो भी हमारे फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। सो आई एम वेरी प्राउड, आज के लिए मुझे नॉमिनी किया गया है और ये अवार्ड दिया है। और सभी को, मेरा नाम है आशीष अशोक तारीकर। मैं शुक्रगुजार हूँ नेल्सन मंडेला नोबेल प्राइज़ अवार्ड एकेडमी का। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड बिजनेस आइकॉन अवार्ड से नवाजा। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे टीम के लिए, मेरे पूरे मेंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, सबको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके मैं अपना खुद का अर्निंग बढ़ाऊँ और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे अवार्ड लूँ। इसके लिए मैं सभी को स्पेशली वी हैव ट्रीटेड मोर देन 4 million टन्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर करंट जनरेशन एंड ऑल्सो फॉर फ्यूचर। फ्री चीज़, फूड एंड वाटर के साथ साथ पीस की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि फाउंडेशन उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है।